ये जो दिवाली पे पटाखों का कंट्रोवर्सी हो रही है, तो अगर उसका एंगल ये है कि भी पोल्यूशन होती है वगैरह वगैरह, तो फिर पटाखे से पोल्यूशन होती है, दिवाली का उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब नए साल में भी अब कोई पटाखे नहीं चलने चाहिए, शादियों में कोई पटाखे नहीं चलने चाहिए। अगर शादियों में चले और नए साल में चले और खाली दिवाली पे बंद हुए, तो फिर इसमें बहुत बड़ी वन साइडेड माना जाएगा ये। दूसरा, दिवाली का महत्व, सबसे बड़ा महत्व ये है कि एक तो पटाखे तो इंसिडेंटल है, उस दिन दिए जलते हैं। क्यों दिए जलते हैं? कि राम जी, भगवान राम रावण को मारने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। अब रावण को उन्होंने हिंसा से नहीं मारा। हमारे यहाँ एक बहुत गलत फैला हुआ है कि हम लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, पर ये पूरी लाइन एक लाइन खा गए। अहिंसा परमो धर्म तो बोलते हैं, धर्म हिंसा तदैव च, जो कि ये दोनों लाइन है वो नहीं बोलते, सेकंड लाइन खा गए हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा होनी चाहिए, परम धर्म है हमारा, पर धर्म और देश की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो ये भगवान की आज्ञा है। अगर ये नहीं होता तो महाभारत कैसे हुआ? महाभारत में भी हथियार उठाए, वो तो उसने हथियार छोड़ दिए थे अर्जुन ने, भगवान ने कहा हथियार हथियार उठा। तो अहिंसा परमो धर्म सिंगल हैंडेड नहीं गिना जा सकता, धर्म हिंसा तदैव चे दोनों को जोड़ के गिना जाता। तो अगर धर्म हिंसा तदैव चे नहीं अगर वो हम हटाते हैं तो ना महाभारत होता और ना दिवाली मनती, क्योंकि राम जी फिर तो उसको रावण को मार के आए थे ही नहीं। तो ये जो गलत फहमी है ये दूर होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव चे, ये दोनों एक साथ बोलना चाहिए। और पटाखों का जहां तक सवाल है, पटाखे इंसिडेंटल है, दिए जला के दिवाली मनाई जाती थी और वही मनानी चाहिए। पटाखे खुशी है तो शादियों में भी खुशी होती है, इसलिए वहाँ भी पटाखे फूटते हैं, नए साल में भी छूटते हैं और दिवाली पे भी छूटते हैं। तो बैन करना है पोल्यूशन के कारण, तो सब जगह बैन कर दो पटाखे।